फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल जार झारखंड टेक में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, झारखंड में अनुपूरक बजट पेश हो चुका है विधानसभा में। इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि किस विभाग में कितने पैसे की मांग की गई है। सारा ब्यौरा जानेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट न्यूज आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आज के हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ है, ग्रामीण विकास को सबसे अधिक राशि, ये बजट पेश की गई है दोस्तों, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग को सबसे अधिक राशि दी गई है। अब देखते हैं, इसका पूरा ब्यौरा पढ़ते हैं। विधानसभा में मंगलवार को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें सबसे अधिक राशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के लिए की गई है। बजट मांग में दूसरे स्थान पर महिला एवं बाल कल्याण और तीसरे स्थान पर गृह विभाग है। सरकार ने विभागों के अलग अलग 60 शीर्ष में 4,210.08 करोड़ रुपए की राशि चालू वित्त वर्ष में 2019-20 के मार्च तक के लिए खर्च की मांग की है। ग्रामीण विकास विभाग को मार्च तक के खर्च के लिए 951.56 करोड़ रुपए की जरूरत है। वहीं महिला एवं बाल कल्याण के लिए 635.19 करोड़, उसके बाद गृह व आपदा विभाग के लिए 618.71 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 555.56 करोड़ की मांग की है। सबसे कम योजना विभाग द्वारा 6.10 लाख रुपए की मांग की गई है। इसी तरह पथ निर्माण विभाग ने 6.23 लाख रुपए और भवन विभाग ने 10.5 लाख की मांग की है। अब देखिए दोस्तों, डिटेल बताने जा रहा हूँ। विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, इसमें 95,156.73 लाख रुपये चाहिए, ये मांग है। महिला एवं बाल विकास विभाग में देख सकते हो आप 63,519.12 लाख। उसके बाद देखिए, ऊर्जा विभाग में 55,556.54 लाख रुपया। खाद एवं सार्वजनिक वितरण में 18,038.08 लाख रुपया मांगी गई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग 26,576.16 लाख रुपया मांगा गया है। गृह एवं आपदा विभाग, गृह प्रभाग में 61,871.87 लाख रुपये। फिर गृह एवं आपदा प्रभाग में 40,606.26 लाख रुपये। नगर विकास विभाग में 5,864.52 लाख रुपये। स्कूली शिक्षा यानी प्राथमिक में मांगी गई है 7,125.00 लाख रुपये। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में 1,363.69 लाख रुपये। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन विभाग यानी कृषि प्रभाग में 1,114.45 लाख रुपये। उसके बाद है कृषि एवं पशुपालन प्रभाग में 467.83 लाख रुपये। और आगे बढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा सेकेंडरी के लिए 25 लाख रुपये मांगी गई है। जल संसाधन के लिए 44.22 लाख रुपए मांगी गई है। यानी यहाँ पर आप देखें तो ग्रामीण विकास विभाग में सबसे अधिक मांगी गई है, और कितना है यहाँ 95,156.73 लाख रुपये है। तो ये था दोस्तों सारा डिटेल। मैं आपको बता दूं, अभी अभी हेमंत सोरेन जी पदभार संभाले हैं और अच्छी तरह से काम करने की शुरुआत किए हैं, आप देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, उम्मीदों को पूरा करना है। सीएम मुख्यमंत्री आवास हो या प्रोजेक्ट भवन या कार्यालय हो, बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्ग के लिए लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं तो बहुत लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व विधायक कुंती सिंह ने भी भेंट की और मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सबसे सहजता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि सबकी उम्मीदों और आशाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है। सबको साथ लेकर सम्मान देकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। सबके साझे प्रयास से राज्य की खुशहाली जरूर आएगी, ये कहा है हमारे हमारे नए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है। अब देखते हैं कि ये कहां तक इसको सफल कर पाते हैं, ये इनके ऊपर जिम्मा है। हम लोग तो बस आशा ही कर सकते हैं कि ये कार्य को अच्छी तरह से करें। बस इनसे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से कार्य करेंगे। जितनी आशाओं के साथ हमने इनको वोट दिया है, इस पे ये खरे उतरेंगे, ये हमारा आशा है या विश्वास है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार की हमेशा न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।